और इस वक्त की बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त झारखंड के देवघर पहुंचे हैं, जहां पर वो आज एक देवघर एयरपोर्ट का लोकार्पण करेंगे। काफी साल के बाद ये एयरपोर्ट बनकर के तैयार हुआ है शानदार तरीके से। पीएम मोदी इसके साथ ही झारखंड में 18,000 करोड़ से ज्यादा की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। पीएम मोदी आज देवघर के बाबा वैद्यनाथ धाम भी जाएंगे और बाबा वैद्यनाथ के दर्शन करेंगे। रुद्राक्ष की माला और ये पुस्तक वैद्यनाथ मंदिर का प्रारूप मॉडल भी प्रदान कर रहे हैं। देवघर जो कि बाबा वैद्यनाथ धाम के लिए मशहूर है, इस वक्त आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके साथ झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। बाबा वैद्यनाथ धाम जो कि श्रद्धालुओं में इसकी खास मान्यता है और वैद्यनाथ धाम देवघर में ही स्थित है, लिहाजा देवघर से झारखंड और साथ ही बिहार की सीमा पर पड़ता है ये इलाका, लिहाजा बिहार और झारखंड दोनों को इस एयरपोर्ट से काफी फायदा होने जा रहा है। एयरपोर्ट से 20 मिनट के अंदर वैद्यनाथ धाम मंदिर पहुंचा जा सकता है। मंदिर जाने के लिए ऑटो और कैब की भी व्यवस्था रहेगी। धार्मिक पर्यटन के लिहाज से भी ये एयरपोर्ट एक वरदान साबित हो सकता है। पूरे देश में ही नहीं पूरी दुनिया में सनातनियों के बीच देवघर के वैद्यनाथ धाम मंदिर की काफी मान्यता है। देवघर से 5 राज्यों के लिए उड़ान शुरू की जाएगी। देवघर से कोलकाता, मुंबई, दिल्ली और चेन्नई के साथ साथ बेंगलुरु के लिए भी उड़ान शुरू की जाएगी। इस एयरपोर्ट के शुरू होने से झारखंड के विकास को नई गति मिलेगी। 5 साल में इसे बनाकर के तैयार किया गया है। देवघर एयरपोर्ट की यह खासियत है, बेहद आधुनिक तरीके से तैयार किया गया है। लगभग 653 एकड़ में यह फैला हुआ एयरपोर्ट है। 401 करोड़ से ज्यादा की लागत से इसे तैयार किया गया है और एयरपोर्ट की लंबाई 2.5 किलोमीटर है। रनवे की लंबाई 45 मीटर, रनवे की चौड़ाई है। टर्मिनल बिल्डिंग 4000 वर्ग मीटर की है। 180 यात्रियों के बैठने का इंतजाम है। 6 चेक इन पॉइंट बनाए गए हैं यात्रियों के लिए। या रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए जी न्यूज़।